मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में निर्माणाधीन 300 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर के संबंध में आईटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों का वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईटीसी के पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड केयर सेंटर के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। कोविड सेंटर को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण आईटीसी ने एकलव्य आवासीय परिसर में किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोविड केयर सेंटर के में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए चर्चा की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना मरीजों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी सरकार उनके साथ है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में सभी 300 बेड ऑक्सीजन बेड होने चाहिए। पूरी जी, शिवराज सिंह चौहान बोलो। बस ठीक है, बस सब ठीक रहे, इसकी प्रोसेस में लगे हुए। अभी मैं यहाँ आया था बुधनी में, जो आप बना रहे हैं 300 बेड का, तो मैंने आईटीसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो मास्टर हैं। मैंने कहा फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ और बाकी पेशेंट्स के लिए जो सुविधाएं चाहिए उन सबका इंतजाम कर देते हैं। ये एक आप 12 का बना रहे हैं? ये सर ओटीसी के अंदर 12 बेड है, मतलब जो आएंगे उनको लेटा के आया सर, रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पर, उसको रखा एक शिफ्ट। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।